अंदर आ सकता हूँ अमीर? मेरे पास सलाहुद्दीन की एक खबर है। आ जाओ। क्या सलाहुद्दीन मिल गया तुम्हें? वो खुद चला आया। तुमने भेड़िये के पेट में घुस के उसकी घात लगाई। वो अमीर रिहानी है जो तुम्हारी घात में है। सर फिरा कारा तिगिन, अपना रास्ता सिर्फ अपनी बहन के लिए ही बदल सकता है। क्या उसने ये कहा था कि मेरे बदले इस्मत खातून तुम्हारे हवाले कर देगा? हाँ, वाह, अक्ल भी तलवार की तरह तेज है तुम्हारी। अगर तुम जानते थे तो यहां क्यों चले आए? हाँ, ताकि तुम्हें उसके फरेब से बचा लूं और उस गद्दार का शिकार उसी के तीर से कर लूं। तुमसे रिहानी के इस सौदे की नूरुद्दीन जंगी को खबर तक ना होगी। उसकी गद्दारी का यह सबूत काफी है। मैं अपनी बहन उनसे लूंगा और बदले में तुम्हारा सर उन्हें दूंगा। बाकी मुझे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। होनी चाहिए। रिहानी एक फिदाई है। तुम्हारे सरदार के कत्ल में उसी का हाथ है। इज्जुद्दीन के कत्ल में फंसा लिया उसने मुझे, और अब जब वो यहां आएगा उसको किसी जाल में फंसाकर उसकी गद्दारी हमें आश्कार करनी है। इत्तेहाद है ना? नूरुद्दीन जंगी की तरह हो बिल्कुल। वो भी इत्तेहाद की बातें करता रहता है हर वक्त, और उसके बावजूद हमारे कबीले पर हमला कर देता है, मेरी बहन कैद कर लेता है और फिर मुझे मजबूर बेबस करके मेरे कबीले के सामने मेरी बेइज्जती करता है। तुम्हारी एक जबान नहीं, जितनी है सारी काट देनी चाहिए। अगर कबूल नहीं करोगे यही मार दूंगा तुमको। अल्बेस, शिकारी रूहों को आवाज दो। सलाहुद्दीन मेरे ताकुब में है। हो सकता है वो हमारी मुलाकात के बारे में जान गया हो, सो वो यकीनन तुम्हारी तरफ आएगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तैयार भी रहना चाहिए। जानते हो शिकार हाका कैसे जाता है सलाहुद्दीन? शिकारी शिकार के पीछे लग जाता है और शिकार को जाल की तरफ ले जाता है। तुम जाल में आ गए सलाहुद्दीन। गलती कर रहे हो। तुमको ये फरेब खत्म कर डालेगा। चलिए इन्हें बंद कर दीजिए।